अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का व्लॉग मैं सुबह 9 बजे से भी पहले से स्टार्ट कर रही हूँ और ऑन द वे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ K2 TV पर। मेरा है जी इंटरव्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि कमल इतनी बड़ी व्लॉगर तो है ही नहीं, तो उनका इंटरव्यू कैसे चल रहा है। तो जी मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो इंटरव्यू देने के लिए मैं गई हूँ उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, मेरे ब्रांड की तरफ से मुझे इन्विटेशन मिला था। जैसे मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहती हूँ वीडियोज़ में कि जी मेरा ब्रांड है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग देखें, तो वहाँ से जी मुझे इनविटेशन आया था और यहाँ पे जी मैं सेट पर पहुँच चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं कहाँ तक, यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ, किस तरह से पहुँची हूँ, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ पूरा इंटरव्यू शेयर करने वाली हूँ अपना, कि मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो आप व्लॉग देखिएगा और आपको पता चलेगा। व्लॉग स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को एडिट करने में मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है, कोई 6 घंटे की एडिटिंग के बाद मैं ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। आप लोग जाएं देखें इंटरव्यू और इसको एंजॉय करें। मैं अपनी जर्नी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यू लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। वेलकम बैक टू K2 शहर, मैं हुदा इमरान और जनाब खलबली मची हुई है स्टूडियो के अंदर, चीज़ें तैयार हो रही हैं, आपको दिखाना है हमने किस तरह से ज्वेलरी बनाई जाती है। और दो, एक कन्फ्यूज सी लड़की खड़ी है मेरे लेफ्ट साइड पे और एक बिजी खातून खड़ी मेरे राइट साइड पे ना। और लेकिन अच्छा लगता है कि नई टैलेंट को हम लेकर आए हैं सामने, जिनका जोड़ा मैंने पहना हुआ है। हम ना इंतजार पहले उनसे गपशप लगाएंगे, फिर आपको मिलाऊंगी हमारी ज्वेलरी डिजाइनर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कमल, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है। इधर आ जाइए यार, ये क्या हो रहा है, इतनी प्यारी प्यारी चीजें, और ये जरा घड़ी चेक करें हम ना, देखो जरा कितनी प्यारी है। आ जाओ आ जाओ आई जी, आई कि आप डिजाइनर भी हैं। अच्छा। तो ये ज्वेलरी यार, कमल कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं आपको, फाइनली आप पहुंच गई। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज्वेलरी बनाती हैं ये सारी? आ जाए आगे आ जाए, हैंडमेड ज्वेलरी है आपकी? वाह, बोलो तो। जी जी, मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ और ये सब चीजें जो है वो मैंने सारी को डिजाइन की है। वाह, ये देखो है ना, कितनी प्यारी है ना। ओए होए 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 होए, ये सब कुछ हाथ का काम है जी, आपको डिटेल में दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत मेहनत वाला काम है। झुमका गिरा जी, वेरी नाइस, वेरी। अब किस नाम से आप काम कर रही हैं? के तबस्सुम ग्लैमरस कलेक्शन के नाम से मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का पेज है, के तबस्सुम ग्लैमरस कलेक्शन। और ये दुल्हन भी साथ लेकर आई है, पैसा अगले हफ्ते आ जाएगा इनका। लेकिन ये सब इन्होंने हाथ से काम किया हुआ है आपको। अच्छा, मजे की बात ये कि हम सिर्फ डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं हम ना, हम इनको, ये जो हमारी कमल है, ये ज्वेलरी बनाना सिखाएंगी भी, ठीक है, ताकि वो तमाम बच्चियां जो सीखना चाहती हैं, बिल्कुल, थोड़ा बहुत यहाँ सीख ले भाई, कमल से रब्ता कर ले, ठीक है ना कमल जी? बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऑर्डर पे भी काम करती हैं? जी, सारा काम ऑर्डर पे करती हूँ, ये जितनी चीजें आप लोग देख रहे हैं ये सब ऑर्डर करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप अपना पूरा जो है स्टॉल सजा लीजिए, ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, तब तक हमना से बात करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हमना, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आप नजर पड़ी इस पे? नहीं, देखो कितना खुल के बोल रही है, इसके बाद ही बंद होगी कैमरे के सामने आते हैं। दो ऊपर से लड़कियां खड़ी है मेरे सामने ना। चलिए जी, आप तैयारी कीजिए, मैं अभी आपके पास आती हूं। ठीक है, चलो जी। के साथ साथ इंतजार भाई गेस्ट रूम में प्रोग्राम देख रहे हैं और कमल के हस्बैंड यहाँ बैठे हुए हैं, तैयारी में हेल्प कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर जब आपके साथ ही जो है बिजनेस कर रहे हों या आपको सपोर्ट करें, तो इट मींस अ लॉट। ये लगता बात है कि हमारे दोनों भाई खामोश बैठे हुए हैं, जरा सी ऊंची आवाज में सांस भी नहीं ले पा रहे, डरा के खाना आपको है ना, ऐसे ही है। वैसे बड़े मजे की बातें करने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं। तो 0514102251 हमारा नंबर है, हमारे साथ बैठी हुई है हमना इंतजार और राइट साइड पे कमल तबस्सुम है, जो कि ग्लैमरस ज्वेलरी बनाती हैं और मैं इनकी ज्वेलरी की दीवानी हूं, शी इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। क्या ख्याल है जी, थोड़ी सी ज्वेलरी दिखा दे, हमना रेडी होगी दुकान आपकी? जी बस थोड़ी सी रह गई है। अरे भैया 11 बजे शो खत्म हो जाएगा। हाँ जी हो गया, चले आज मैं जा रही हूँ, आप पहले इधर आ जाए जी, तो जब तक कावा शावा पी लो। अच्छा, ओए ऐसा कितना प्यारा यार। अब लड़की आ जाओ मेरे पास। जी जी मैं आ गई बस, अभी जैसा भी रखा गया खैर है। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस बच्ची को चैन नहीं है मुझे लगता है। अभी आपने बनानी सिखानी भी है? जी जी वो मैं, और हमारे पास टाइम जो है वो महदूद है। अच्छा जी, बताओ कितने अरसे से काम कर रही हो? ये तकरीबन एज अ प्रोफेशन तो मैं 2015 से लेकर चल रही हूँ इसको। अच्छा जी, माशाल्लाह से 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, ठीक हो गया। लेकिन जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक प्रॉपर वे में, वो 2017 से मेरा पेज है, जो कि मेरा ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। ठीक है, तो वैसे मुझे वैसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये सब हाथ का बना हुआ काम है, क्योंकि इतनी सफाई से, जो मेरा फेवरेट है पहले मैं वो दिखाती हूँ। जी जरूर दिखाइए। ये क्या है जी, इसका नाम क्या है और इसे हम कैसे डिफाइन करें? इसका नाम है गुलहरी। गुलहरी जी, इसका नाम है गुलहरी।
और इसके अंदर आप देख सकती हैं कि ये प्योरली जो है ना, इसको मैंने आप यूँ कह ले राजवाड़ी जो ज्वेलरी होती है ना इंडियन की, हाँ जी, ये उस बेस पे मैंने इसको बनाया। तो पहले कोई डिजाइन देखती हूँ, कॉपी करती हूँ अपनी? नहीं नहीं नहीं, नो कॉपी, नो कॉपी। जबरदस्त, इंस्पायरेशन तो हर एक की जरूर होती है, इंस्पायरेशन तो हम लोग जरूर लेते हैं, लेकिन कॉपी नहीं, कॉपी नहीं है जी उसके। अच्छा, ये पूरा सेट है जी, ये पूरा टीका भी है जी। और ये कब पहन सकते हैं? ये आप मेहंदी पे, माइयों पे, वलीमा, ब्राइड, उसके अलावा अगर आप इसमें कलर कोई भी, जितनी भी ज्वेलरी आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें आप अपनी मर्जी के कलर डिजाइन करवा सकते हैं। आपको बताइए मेरा जोड़ा इस कलर का, इसमें ये रंग ऐड करिए तो आप कर लेंगे? बिल्कुल। ओह वेरी नाइस यार, इसके अच्छा, इसका नेकलेस भी आप दिखाइए। नेकलेस भी हम दिखाएंगे जी, आपने जान छोड़नी है, मैंने ना दिखाया तो छोड़ने वाला। ये देखिए जी, हाय हाय, खाली नेकलेस आप प्लेन सूट के साथ पहने जो हमना ने डिजाइन किया हो, है ना हमना, तो कितना हसीन लगेगा। वेरी नाइस। और ये हाथ का काम है, हाथ का काम है जिसको मैं बहुत इनकरेज करती हूँ। सिर्फ सेट्स नहीं है बल्कि इनके पास पूरे पूरे चूड़ियों के सेट्स पड़े हुए हैं। खूबसूरत चूड़ियाँ आप लेके इसके अंदर ये फिलिंग करती होंगी? नहीं, ये हाँ। वाली जो चूड़ी है ना, ये वाली चूड़ी, ये वाली चूड़ी, ये सारी हाथ की काम है, सारे हाथ से करवाई। दिखा दो जी, बिल्कुल दिखाएं। क्या है? सारा काम खुद किया, ये जितनी भी बैंगल्स आप देख रही हैं ना, ये जितने भी हैं, ये सारे जो है ये सारे खुद के बनाए हुए। वाओ, ये देखें, ये सारा हाथ का काम है, बड़ा बड़ा बारीक काम है। ये सिर्फ पहन के मैं दिखा रही हूँ जी जी, बिल्कुल आप ये देखें, आप बल्कि इसको पहने, कितना हसीन लग रहा है। अच्छा, कितना टाइम लगता है इसको कमल बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन वन डे पूरा लग जाता है, क्योंकि पहले इसके बीड्स बनाने पड़ते हैं, ये जो छोटे छोटे मोती हैं, फिर उसके बाद इसकी जो है वो सारी पिरोई की जाती है, तो इस तरह से सारा होता है। और फिर ये वाली जो बैंगल्स हैं, ये बेसिस हमारे पास अलग होती हैं। और जी दिखा देते हैं, ठीक है ठीक है, इसकी बेस अब आप बताइए। ये वाली जो चूड़ी है ना, इसकी बेस अलग से होती है, फिर उसके ऊपर हम लोग ये कुंदन एक एक पीस सेपरेट होता है हमारे पास, उसको फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं इसके साथ। क्या बात, ये देखिए ना, जैसे ये किया हुआ है। आपके जो कलर्स है वो मार्केट के कलर से बहुत डिफरेंट है, जो दुकानों पे मिलते हैं जी जी। ये जी कितना प्यारा है, वेरी प्रिटी। इसको एनवेलप से निकाल के दिखा देते हैं, इसके रैपर से हम हटा के दिखाते हैं। अरे बाजी, आपके लिए दुकान सजा दी है। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी, ये कड़े बहुत हसीन है। इतनी खूबसूरती है कि शायद ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है, इतना प्यारा काम किया हुआ है। चले जी आगे चलते, वरना मैं इधर ही अटकी रहूँगी। बड़े बड़े चुंबकों का जी फैशन है, और ये उन्होंने कोई जामावार लगा के बनाया हुआ है, क्या क्रिएटिव बताओ जी। ये जामावार, ये बेसिकली मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा था कि लोग फैब्रिक के साथ बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको नए तरीके से लेकर आती हूँ, मैं इसको जामावार के साथ यूज़ करती हूँ। और जब मैंने ये पहला सेट अपना बनाया था, ये वाला झुमका मैं आपको दिखाती हूँ, और माशाल्लाह से मेरा इतना ज़्यादा ये वाला झुमका सब लोगों को पसंद आया था, ये मेरा फर्स्ट झुमका था, इतना बड़ा बनारसी पे बनाया था। हाँ जी, अच्छा, बहुत हैवी भी नहीं है? हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट है। वेरी नाइस। ये देखें आप, ये वाला झुमका देखें, ये जितना मर्जी इतना लॉन्ग है, इतना बड़ा है, क्योंकि आजकल झुमका आपको पता है बहुत ट्रेंड में चल रहा है जी, तो ये इतना हैवी होने के बावजूद ये बिल्कुल लाइट वेट है, आप इसे पहनेंगे फील ही नहीं होगा आपने कुछ पहना हुआ है। थोड़ा नीचे कर लूं? देखें अब मैक्सिमम जो है ना काम को दिखाएं, के तबसुम की ग्लैमरस ज्वेलरी है जो कि फेसबुक पे मौजूद है। अच्छा, कि लाइव बड़ी आती रहती है और सिखाती भी रहती है उनकी, ये वीडियोस कौन बनाते हैं आपकी? खुद ही बनाते हैं या मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। हस्बैंड अगर साथ ना होते तो फिर के तबसुम यहां पे ना होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है जी, वेरी नाइस। अच्छा, ये है जी बड़ा प्यारा सा एक और चोकर, चोकर की बहुत डिमांड है आजकल, आजकल बहुत ज्यादा चोकर, बहुत ज्यादा इन है। पहन के दिखाती हूं जी, बिल्कुल पहने। अच्छा, सोना जो है वो अब बिल्कुल ही सो चुका है, हमारी पहुंच से बाहर है, तो बेहतर है कि आप, हालात भी ऐसे कि आप सोना पहन के फेंक नहीं सकते, तो इस तरह की ज्वेलरी जो है वो आप बेसिकली, ये जो सेट मैंने डिजाइन किया है, ये जैसे आजकल आपको पता है निकाह का एक सेपरेट से फंक्शन होता है जी जी, तो ये उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है कि बिल्कुल लाइट सा हो उस तरह। और ये है जी माथा पट्टी, जी माथा पट्टी इसका कम्प्लीट सारे में शौक अपने पूरे कर लूँ। देखिए, ओए होए होए होए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। शादियाँ आ रही हैं दो तीन, और अगर आप तैयारी करनी है तो फिर आप सिंपल जोड़ा पहने, हम ना इस बात से एग्री करेंगी, लेकिन उसके अंदर अगर आप ज्वेलरी हैवी पहन लें हाँ तो बहुत ग्रेसफुल लगता है, इनहेंस हो जाता है, इनहेंस हो जाती हाँ है ना। अच्छा, अब आते हैं जी हम माइयों की तरफ। माइयों में ज़्यादातर लोग गजरे पसंद करते हैं, लेकिन सुबह के आए हुए गजरे शाम तक बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने के तबस्सुम से इस तरह गजरा बनवा लिया, हाथ का है ये जी बिल्कुल, और ये फूल कैसे बनाए? ये हैंडमेड है, ये बिल्कुल प्योरली हैंडमेड फ्लावर्स हैं। और किस मटेरियल के बने हुए? ये फोमिक के बने हुए हैं, फोमिक, इतनी सफाई से बने हुए, आप देखिए, वेरी नाइस। और इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग इसको बाय करते हैं तो आप इसको मल्टीपल टाइम में यूज कर सकते हैं, लाइक अगर ये गंदे हो जाते हैं तो ये प्योरली वॉशेबल है, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसको धो भी सकते हैं जी। और सिर्फ गजरे नहीं है हमारे पास, कितने प्यारे लग रहे हैं ये जी, इसके साथ दुल्हन के पहन, माइयों के दुल्हन के पहनने के लिए झुमके भी हैं, इसके साथ बिंदिया भी है और रिंग भी है, बिंदिया भी है, रिंग बाहो बहार हो जाएंगी आप, अगर आप खुद पहनना चाह रही हैं या आपकी बहन की शादी है या नंद भाभी कोई ऐसा सीन है, तो आप ये पहन के बहुत हसीन लगेंगी गारंटी के साथ। अच्छा जी, आज आपने कुछ सिखाना कुछ लिया तो नहीं गया यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा, घड़ी 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 याद दिला रही है मुझे ये कि मेरा जिक्र भी करें, ये वाले गजरे भी जरूर दिखाइएगा, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बिचक उतार के दिखा रहे हैं इसको, लॉक हो गए, लॉक हो गए, चले वैसे दिखा देते हैं, ये हाथ जो है के साथ
ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हाँ जी ये जी ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये तो बारात पे पहना जा सकता है, बारात पे, वलीमे पे। हाँ। और इसके अलावा अगर आप पार्टी वेयर कोई फंक्शन है, बर्थडे का कोई फंक्शन है, क्योंकि गजराज एक ऐसी चीज है जो ऑल टाइम ट्रेंड में रहते हैं। अच्छा अगर साड़ी पहन रही हूँ मैंने जी, तो मैं क्या क्या ज्वेलरी पहनूंगी? साड़ी के साथ लॉन्ग माला चलती है लाइक दिस। ये माला भी है, ये देखें ये माला भी है, इसको आप किसी भी कलर में कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये दुल्हन साथ साथ रहती है आपकी? हाँ जी ये दुल्हन मेरे साथ साथ ही रहती है हर जगह। और क्या नाम होगा जी इसका? इसका नाम है लाल परी। नाम कौन रखता है इतना प्यार प्यारे? खुद ही रखती हूँ। लाल पड़ी मैदान खड़ी जी। वेरी नाइस। इस तरह की माला जो है वो आप जैसे अभी मैंने दो दो लड़कियों में बनाई हुई है, ये वाली माला जो है आप पांच लड़कियों में भी बनवा सकते हैं, तीन में भी बनवा सकते हैं, सात में भी बनवा सकते हैं। ये टोटली आपकी जितना भी हम लोग काम करते हैं ना, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर जो है वो क्या कहता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत अच्छा। अब आप तैयारी पकड़ लेंगे, हमने बच्चों तमाम देखने वालों को सिखाना भी है जी। तो 0514102551 पे कॉल कीजिए, ये जगह क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम हम ना को देते हैं ताकि आपको इसके बाद ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे, फिर हम घड़ी की तरफ भी आते हैं। ठीक है जी, ओवर टू यू। बहुत मेहनत करी आप, जबरदस्त काम है। मैंने ये इयररिंग्स अभी अभी रेडी की हैं, तो मैं ये सिखाना चाहूंगी। अभी रेडी किए जी? अभी अभी रेडी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए ठीक है जी। चलिए जी पहले इसके लिए क्या चाहिए होगा, भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए? मैं बताती हूँ इसके लिए ना, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स आर्टिफिशियल हैं। बेसिकली ये फ्लावर्स हम लोग खुद भी बना सकते हैं, डिफरेंट शीट्स के साथ बना सकते हैं, क्ले के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है इधर टाइम शॉर्ट है, तो मैं क्ले के फ्लावर्स नहीं बना के दिखा सकती, तो मैं यहाँ पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करके ये इयररिंग बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा ये मेरे पास छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से रोजेज हैं, ये देखिए। ठीक है, जो कि मैं इसमें यूज करूंगी, जैसे ये देखें इसमें मैंने यूज की है। ठीक है, बेसिकली आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है मेहंदी वाली। आसानी से मिल जाते फ्लावर्स वगैरह? ये सारा कुछ ना आपको इस पेज से मिल जाएगा। पेज का नाम वैसे बता देते हैं, ग्लैमरस रॉ मटेरियल। ठीक है, ग्लैमरस रॉ मटेरियल से। अदरवाइज आप अगर चाहें तो बाजार में ऐसी दुकानें मिल जाएंगे तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे ना। चलिए जी गुड हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये एक बेस है। ठीक है, ये बेस जो है ना, मैं बेसिकली जितना भी काम करती हूँ लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन मेरी ये होती है कि अगर मेरे क्लाइंट के पास कोई चीज़ जा रही है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो। हाँ बिल्कुल। और तो ये मैं बेस यूज़ करती हूँ, इसमें मेरे पास साइजेस होते हैं, जैसे ये साइज है, इसमें बड़ा साइज भी होता है, जो डिपेंड करता है कि इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक हो गया। अगर ये साइज के जो मैंने इयररिंग बनाया है उसके लिए ऐसे यही वाला जो साइज है वो तो खुद देखेंगे अंदाजा हो जाएगा जब बनाना शुरू करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, होगी जी बेस जी। उसके दिखा देते हैं इसको, ये है जी बेस, इसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी। चले जी ठीक है। उसके अलावा ये है जी, इसको बोलते हैं बेबी ब्रेथ। ठीक है, इसमें ना इसमें भी तीन चार किस्म की आती हैं वैरायटीज। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी वाली फॉर्म है इसकी बेबी ब्रेथ की। ठीक है, और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये इयररिंग हुक है। इयररिंग हुक ठीक हो गया। ठीक है, वेरी नाइस। और ये ग्लू गन चाहिए होगी हमें? ये ग्लू गन है। अच्छा, यहाँ पे ना क्योंकि थोड़ा जल्दी का काम था, तो मैं आपको ना जो भी हमारे देख रहे हैं मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, एक चीज जो पॉइंट आपने नोट करना है, जब भी आपने इस बेस के साथ काम करना है ना, तो आपकी ग्लू जो है ना वो इतनी गर्म होनी चाहिए लाइक जैसे ये पिघल पिघल के नीचे आ रही है। अच्छा, इतनी गर्म? इतनी गर्म एहतियात के साथ। जी एहतियात के साथ, अपने हाथों को एहतियात करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो जब इसके ऊपर गन लगेगी ना, ग्लू लगेगी जब गर्म, तो ये ना ज्यादा गर्म हो जाएगी, मतलब बेस गर्म हो जाएगी। मेटल है, मेटल है। अच्छा, सबसे पहले ना हमने लगाना है इसमें इयररिंग हुक, ताकि हमें इसका सेंटर का अंदाजा हो जाए, क्योंकि गोल है तो सेंटर का अंदाजा नहीं हो सकता ना हमें ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ना इसको हमने बहुत इजीली खोला है, तो यहाँ से अभी मैं किसी में भी लगा लूंगी रैंडमली, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली इसको पहले लगाने का जो मकसद है वो ये है, ताकि जो है कोई बात नहीं, शुरू बात कोई नहीं, खैर है क्योंकि वक्त कम है और आपने। ठीक है, ये देखिए ये बस दो मिनट में बन जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे इनका चैनल भी है जहाँ पे ये सिखाती भी है, तो जो अगर सवाल रह जाए आप उनसे पूछ सकते हैं। जी मेरे बेसिक से मेरे दो चैनल्स हैं, एक जिसके ऊपर मैं प्रॉपरली ट्यूटोरियल्स वगैरह देती हूँ, उनको सिखाती हूँ, और जो दूसरा चैनल है मेरा वो है व्लॉग्स बाय कमल तबस्सुम। उस पे ना ये सेम डीपी लगी हुई है, वहाँ पे ना आप लोगों को मेरी डेली रूटीन के ना बड़े मजे मजे के व्लॉग्स हैं। डेली रूटीन में क्या मजा होता है, क्या पकाया, बड़े मजे मजे की बातें होती हैं, गॉसिप्स होती हैं। अच्छा जी, ये हमने बेस के ऊपर लगाना है, अब इसके ऊपर ग्लू, ये देखिए जी इसके ऊपर मैंने लगा देनी है ग्लू। अच्छा, ग्लू आपने बहुत ज्यादा नहीं लगानी, और बिल्कुल सेंटर में मैंने लगाई है, ये देखिए इस तरह। ठीक है ठीक है, ग्लू लगाने के बाद इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाना है, मैंने इसको ऐसे सेट करना है और लग जाएगी कितने वाले ग्लू से। अच्छा जी, ये देखिए, और ताकि इससे हाँ ये सामने आ रहे नजर, तो आपका काम छुप रहा है। ठीक है ठीक हो गया। अब यही ग्लू के अंदर ये देखिए मैंने ऐसे ना फिलिंग कर देनी है इसकी। ठीक है, सारी इस तरह से दो दो को जोड़ के ना इसी ग्लू के साथ ही। सेम ऐसे ही बनना चाहिए जैसे कि ये बना है, दोनों कानों में एक जैसा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बेफिक्र है। यू ड्राई तो नहीं होगी? नहीं होगी तो हम दोबारा इसको दोबारा लगा लेंगे। दोबारा लगा, ठीक है, ये देखिए इधर लगा लेंगे, कोई ऐसा मसला ही नहीं है इसके अंदर में। तेज तेज ये ना ये वाला जो काम होता है ना, तेज तेज करने वाला होता है, ताकि ग्लू जो है ना ड्राई ना हो जाए ना, ठीक है जी। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो फिर चीजें जो है ना वो हमारी चिपकेंगी।
और सफाई नफासत का जो है ना ख्याल रखना बहुत अच्छा, जरूरी है। इसमें जब ग्लू से काम करते हैं ना तो इसके साथ ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी ना तारे सी बन रही हैं। हाँ, तो आपने उनका क्या करना होता है, वो साथ के साथ जो है ना वो आपने रिमूव करनी होती है। अब वो रिमूव कैसे करेंगे? ये देखिए बस ये ऐसे करके। अच्छा ठीक, गर्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं इतना गर्म नहीं है, थोड़ी सी नीचे से वाली बेस जो है ना वो ठंडी हो गई है हमारी। ठीक है ठीक है, ये देखें इसके अंदर फिर अगेन फिलिंग करनी है तो हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे ताकि हमारा ये जो फ्लावर हमने लगाया ये भी सेट हो जाए। कभी ऐसा दोनों मुख्तलिफ एयरिंग बन गए? कभी कभार हो जाता है लेकिन फिर इजीली खुल भी जाता है, थोड़ी सी हीट दूंगी इसकी बैक साइड से तो इजीली खुल जाएगा। अच्छा जी, ये भी वाल्व होना चाहिए ना, क्या आपने रीअरेंज करना तो कैसे करें? खुल जाता है आराम से, लेकिन ये कि अगर एक दफ़ा आपने अच्छे से पक्का जैसे अब मैं फाइनल पक्का करने लगी हूँ ना इसको, फिर इसको थोड़ा सा खोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये लीजिए अभी हमने इसकी फिलिंग्स लगा दी है, वो ज़रा मैंने बहुत तसल्ली के साथ किया। कोई नहीं, आराम से हाथ में जला लेना। ठीक है जी, ठीक है। ऑब्वियसली टाइम मांगता है ये, जितना भी काम होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये जो फ्लावर्स है ना डायरेक्ट नहीं लगाते, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ से इसको कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ना अपने फ्लावर के ऊपर ग्लू लगानी है। मैंने बेस पे जो ग्लू लगानी थी वो लगा दी है। अब ये देखिए सबसे पहले ना ये जो पॉइंट होता है ना इसको हमने ग्लू लगानी होती है ताकि ये ना निकले नहीं, फ्लावर हमारा खुले नहीं। ठीक है ठीक है, देखिए मैं लगा लिया ना, मैंने बहुत ज़्यादा ग्लू लगाई है और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा कम ग्लू लगाई है कि आप ये ना कर सके। बहुत ईजी होता है ये, अगर आप सामान एक दफ़ा परचेज कर लेते हैं तो आप इसको अपने आराम से घरों में बना सकते हैं। और सामान महंगा आता है इसका ये वाला? कुछ सामान महंगा है कुछ सस्ता भी है, अब वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप मिक्सी मैच करके लगा लें, बहुत महंगा ना करें फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी आर लेफ्ट विद 4 मिनट ओनली और मैं चाहूंगी कि मैं जो है जल्दी जल्दी से आपको सिखा दें। हम ना क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? या आप इधर आ जाओ ना, हम यहीं पर क्लोजिंग भी कर लेंगे, आप इधर आ जाओ। अगर हमना जो है मैं ये देखें जी ये रेडी हो गया ले जी। मीन वाई हमना जो पहुंची है यहाँ पे, हमारा जो एयरिंग है वो रेडी हो चुका है, वो तमाम खवातीन जो काम करना चाहती हैं वो अब करके दिखाइए। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। आप इसके पीछे आ जाए, कमल के पीछे आ जाइए, राइट साइड पे आप आ जाए। कमल तबस्सुम ने आपको बनाना सिखाए हैं बहुत ही खूबसूरत से एयरिंग, जो कि अभी थोड़ा सा गर्म है, हाथ का काम और नफीस है, ये मुरझाते नहीं है, कागजी फूल हैं जो कि मुरझाएंगे नहीं, प्लास्टिक के फूल हैं जो भी हैं, बट दे आर वेरी नाइस फैब्रिक फ्लावर्स हैं। थैंक यू सो मच कमल, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह, पहले आना है जी, जरूर बहुत काम है आपका दिखाने वाला, जरूर। ठीक है जी, और हम ना आपके आने का भी बहुत शुक्रिया, जाके प्रैक्टिस करनी है बोलने की आपने, ठीक है। और हमारी दोनों खवातीन ने अपने काम का आगाज किया अपने घर से और माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारा काम करी है, चाहे ज्वेलरी डिजाइन करनी हो, चाहे कपड़े बनाने हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कुकिंग करनी हो, खवातीन या जो भी काम करना चाहे उनके लिए आगे बढ़ना कोई मसला नहीं होता। एक एक मैसेज तमाम देखने वालों के लिए, वो कैमरा आपका। मैं सब लोगों से यही कहूंगी स्पेशली खवातीन से कि अभी जो दौर इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है उसमें मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्टैंड लें, बेशक आप ये नहीं कर सकते, आप लोग जो भी काम कर सकते हैं, स्टिचिंग कर लें, कुकिंग कर लें, उसके अलावा छोटे छोटे बिजनेस आप अपने होम से जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। आप देखें कि आपके घर वालों की क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो मेंटल लेवल है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बिल्कुल सही, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना काम स्टार्ट करें। देखें कोई भी वक्त काम आप स्टार्ट करते हैं ना वो वक्त लेता है, बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपने ये सब चीजें आपके सामने है ना, घबराना नहीं है, स्टार्ट नहीं होना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच कमल आपके आने का। हमने आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, तो कह दिया स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ऐसे तमाम खवातीन की हौसला अफजाई करें। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, हम जरा बीच में ना आ जाएं, यहाँ पे आ जाते हैं ताकि हम जरा कैश जोर शोर के साथ क्लोजिंग कर सके। कोशिश हमने की, एक लड़की इधर आ जाए मेरे पास, एक इधर आ जाए, कोशिश हमने की कि हम जो है आपको इनकरेज करें, ऐसी बाहिमत पार्टिसिपेंट से मिलाएं, खवातीन से मिलाएं जो कि आगे बढ़ने का अजम रखती है। इनकी फैमिली का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच हमना फॉर कमिंग, सॉरी कमल, थैंक यू सो मच हमना फॉर कमिंग। तुम बोलती मैं भूल जाती तुम्हें काम करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुदा इमरान और मुझे आप देखते हैं K2 शहर पे मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ। और आज आई एम रियली ऑनर्ड कि मेरे मॉर्निंग शो में आई हैं कमल तबस्सुम और खूबसूरत सी ज्वेलरी लेके, जो ये हाथ का काम करते हैं आप सब जानते हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मैंने कड़े पहने हुए हैं और ये जो खूबसूरत सा चूड़ियों का सेट है, चूड़ा भी खोलेंगे इसको, है ना जी, चूड़ा, ये भी कमल ने ही बनाया है। इनके काम को मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग ये लड़की है, आप लोग सब इन्हें सपोर्ट करें। K2 पे अभी ये एज ए गेस्ट आई हैं लेकिन बहुत जल्द इनको हम बुलाते रहेंगे, पूरा सेगमेंट डिज़ाइन करेंगे इनके लिए। कमल के काम को बहुत इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, इनसे आप सीखिए, अपना काम भी आगे बढ़ाइए। और मेरे लिए, मेरे पास कमल के लिए बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी मोहब्बतें हैं एंड बहुत सी बेस्ट विशेज हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। नहीं नहीं, बहुत प्यारा काम है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत 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 अच्छा रहा। इससे पहले मुझे एक शो की ऑफर हुई थी लेकिन वो 3 साल पहले हुई थी। अच्छा, निदा यासिर के शो पे मेरी कुछ फ्रेंड्स जा रही थी, उन्होंने कहा था लेकिन क्योंकि वो कराची में था तो मेरे लिए कराची जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आप सांबा दादी हैं और ये देखिए निदा नासिर
से हृदय से ही थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं यहाँ पे ना अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी, अपने पेरेंट्स का स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देखना ना भूलिएगा K2 Said every Monday and Tuesday, और कमल को सपोर्ट करते रहिए।